मेरे प्यारे देशवासियों, 26 तारीख को हमने इस दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा। शायद सूर्य ग्रहण की इस घटना के कारण ही माय गॉव पर रिपुन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा है। वे लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम रिपुन है। मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं, लेकिन इन दिनों साउथ में काम करता हूं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है, हमारे क्षेत्र में आसमान साफ होने की वजह से हम घंटों आसमान में तारों पर टकटकी लगाए रखते थे। स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं एक प्रोफेशनल हूं और अपनी दिनचर्या के कारण मैं इन चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं। क्या आप इस विषय पर कुछ बात कर सकते हैं क्या? विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपुलर किया जा सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सुझाव बहुत आते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है। वैसे विज्ञान पर कई पहलुओं पर बातचीत करने का मौका मिला है, खास करके युवा पीढ़ी के आग्रह पर मुझे बात करने का अवसर मिला है, लेकिन ये विषय तो अछूता ही रहा था। और अभी 26 तारीख को ही सूर्य ग्रहण हुआ है, तो लगता है कि शायद इस विषय में आपको भी कुछ न कुछ रुचि रहेगी। तमाम देशवासियों, विशेष तौर पर मेरे युवा साथियों की तरह मैं भी जिस दिन 26 तारीख को सूर्य ग्रहण था, तो देशवासियों की तरह मुझे भी और जैसे हमारी युवा पीढ़ी के मन में जो उत्साह था, वैसा मेरे मन में भी था और मैं भी सूर्य ग्रहण देखना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उस दिन दिल्ली में आसमान में बादल छाए हुए थे और मैं वो आनंद तो नहीं ले पाया। हालांकि टीवी पर कोझिकोड और भारत के दूसरे हिस्सों में दिख रहे सूर्य ग्रहण की सुंदर तस्वीरें देखने को मिली। सूर्य चमकती हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था और उस दिन मुझे कुछ इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संवाद करने का अवसर भी मिला और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है और इसलिए इसका आकार पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता। इस तरह से एक रिंग का आकार बन जाता है। यह सूर्य ग्रहण एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसे वलय ग्रहण या कुंडल ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं। चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहण के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। साथियों, भारत में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारों के साथ हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग स्थानों में बहुत ही भव्य जंतर मंतर है, देखने योग्य है और इस जंतर मंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा संबंध है। महान आर्यभट्ट की विलक्षण प्रतिभा के बारे में कौन नहीं जानता। अपनी कालक्रिया में उन्होंने सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण की भी विस्तार से व्याख्या की है, वो भी फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल दोनों ही एंगल से की है। उन्होंने मैथमेटिकली बताया कि पृथ्वी की छाया या शैडो की साइज का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ग्रहण के ड्यूरेशन और एक्सटेंट को कैलकुलेट करने की भी सटीक जानकारियां दी। भास्कर जैसे उनके शिष्यों ने इस स्पिरिट को और इस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए। बाद में 14वीं 15वीं सदी में केरल में संगमग्राम के माधव, इन्होंने ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों की स्थिति की गणना करने के लिए कैलकुलस का उपयोग किया। रात में दिखने वाला आसमान सिर्फ जिज्ञासा का ही विषय नहीं था, बल्कि गणित की दृष्टि से सोचने वालों और वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स था। कुछ वर्ष पहले मैंने प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयजेस इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे, उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। आधुनिक युग में उसी मालम की पोथी को और वो भी गुजराती पांडुलिपियों का संग्रह, जिसमें
प्राचीन नेविगेशन टेक्नोलॉजी का वर्णन करती है और उसमें बार बार मालम ने पोथी में आसमान का, तारों का, तारों की गति का वर्णन किया है और ये साफ बताया है कि समंदर में यात्रा करते समय तारों के सहारे दिशा तय की जाती है, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का रास्ता तारे दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत काफी आगे है और हमारे इनिशिएटिव्स पाथ ब्रेकिंग भी है। हमारे पास पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है। इतना ही नहीं, कोडाईकनाल, उदगमंडलम, गुरु शिखर और हांतेल लद्दाख में भी पावरफुल टेलीस्कोप है। 2016 में बेल्जियम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैंने नैनीताल में 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उद्घाटन किया था। इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहा जाता है। इसरो के पास एस्ट्रोसेट नाम का एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिए इसरो आदित्य के नाम से एक दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक उपलब्धियां, हमें इन्हें अवश्य समझना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। आज हमारे युवा वैज्ञानिकों में न केवल अपने वैज्ञानिक इतिहास को जानने की ललक दिखाई पड़ती है, बल्कि वे एस्ट्रोनॉमी के भविष्य को लेकर भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। हमारे देश के प्लेनेटोरियम नाइट स्काई को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रूप में विकसित करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। कई लोग एमेच्योर टेलीस्कोप्स को छतों या बालकनीज में लगाते हैं। स्टार गेजिंग से रूरल कैंप्स और रूरल पिकनिक को भी बढ़ावा मिल सकता है और कई ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो एस्ट्रोनॉमी के क्लब भी गठन करते हैं और उस प्रयोग को आगे भी बढ़ाना चाहिए।